हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाना सीखते हैं एक नई रेसिपी, मुनगे की सब्जी बिना लहसुन प्याज के। तो चलिए, इसके लिए हमें लेना है सबसे पहले ड्रम स्टिक और इसे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। बहुत छोटे नहीं, ये देखिए इस साइज़ के काट लेना है और इसके ऊपर के छिलके को इस प्रकार से अलग कर देना है। और ये लीजिए, मुनगा सब्जी बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसे एक साइड रख देंगे। और सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टमाटर, और ये मैंने मूंगफली ली है 1 चम्मच करीबन, 2 हरी मिर्च और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इसके अलावा हमें लेना है, ये मैंने दही लिया है 2 चम्मच दही, और ये 1 चम्मच 1 टीस्पून बेसन। तो ये चीज़ें हमें लेनी है। इसके अलावा हमें लेना है एक आलू भी, जो मैं बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैं टमाटर को इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, और मिर्ची को भी इसी प्रकार से काट लेंगे, अदरक को भी इसी प्रकार से काट लेंगे, और फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये मैंने सब कुछ काट के रख लिया है, और अब इसे जार में डाल के और इसका महीन पेस्ट बना लेना है। इसके अलावा इसमें मूंगफली भी हमें पीसनी है। तो मूंगफली को सबसे पहले किसी भी कूटने वाले, ये जैसे छोटा सा मैंने खलबट्टा लिया है, इसमें कूट लेंगे इस प्रकार से, जिससे वो थोड़े छोटे टुकड़ों में टूट जाए। और अब इसे मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। इससे सब्जी, मूंगफली पीसने से सब्जी में थोड़ा सा गाढ़ापन आता है, और क्योंकि मैं इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए मैंने मूंगफली और बेसन का इसमें इस्तेमाल किया है। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, और ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसे प्लेट में निकाला है। ये देखिए इतना महीन पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को हम रख देंगे एक साइड, और ये लेना है हमें एक आलू, ये मैंने पीस करके रख लिए हैं आलू के। तो इस प्रकार से आलू ले लेना है। और अब मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। और इसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया है राई, थोड़ी सी राई डालनी है, और ये आलू डाल दिया, और इसी समय मुनगा या ड्रम स्टिक को भी डाल देंगे, और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए तेल में भून लेंगे इस प्रकार से। 2 से 3 मिनट पका लेने से ये आसानी से फिर सब्जी में पकाते समय अच्छे से पक जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें पहले से थोड़ा सा भून लेना है। ये देखिए, अब इसे मैं निकाल के एक साइड रख लूँगी, और अब इसमें मैं मसाला भूनूंगी। तो ये मैंने इन्हें एक साइड रख दिया, ये देखिए, और अब ये पेस्ट टमाटर का और जो पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये डाल देना है। मसाले इसमें डाल दिए मैंने, और अब इसे गैस को मैंने मीडियम रखा हुआ है, और अब इसमें मैंने ये मिलाया है 1 टीस्पून बेसन। बेसन मिलाने से सब्जी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि मैं इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और अब इसमें जो आलू और मुनगा है उसे इसी में मिक्स कर देंगे, और साथ में पका लेंगे। और अब मैंने ये जार में पानी डाल के इसी में डाल दिया इस पानी को, जिससे जार में जो मसाला था वो सब इसमें आ जाए। अब इस प्रकार से इसे पकने देंगे थोड़ा। और अब ये मैंने इसमें मिला दिया है दही, 2 चम्मच मीठा वाला दही, खट्टे वाले दही का इस्तेमाल नहीं करना है हमें। तो ये मैंने दही डाल दिया इसमें, और अब ये डाल रही हूँ मैं 1 1/2 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। और ये मैंने डाल दिया गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और अब इसमें थोड़ा सा मैंने ये पानी डाल दिया है, और अब इसे ढक कर पका लेंगे। ढकने से सब्जी जो है अंदर अच्छे से
पक जाती है। तो अब हम एक बार इसे दबा के देख लेते हैं मुनगा को, ये पक गया है। तो लीजिए सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, और अब इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स भी कर देंगे। ये लीजिए मैंने सब्जी को एक बॉल में, बड़े से बॉल में निकाल लिया है और इसे धनिया पत्ती से सजा दिया है। तो सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।